गुवाहाटी से लगभग 28 किलोमीटर दूर लोअर असम में एक जगह है हाजो। ये एक हिस्टोरिक जगह है जहाँ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम तीनों रिलीजन्स के लिए काफी सीक्रेट है, क्योंकि यहाँ तीन प्रमुख तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि पद्मसंभवा, जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर थे, की डेथ हुई हाजो में। नागार्जुना, जो महानया बुद्धिज्म के एक लीडर थे, ने यहाँ पे एक कैत्य या मेमोरियल बनाया फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी एडी में। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि इस कैत्य को ही हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया थर्ड या फोर्थ सेंचुरी एडी में। हयग्रीव माधव मंदिर का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो बनवाया था राजा रघुदेव नारायण ने 1583 में मणिकूट हिल के ऊपर। बुद्धिस्ट मानते हैं कि बुद्ध को इसी मंदिर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस वजह से इस मंदिर में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों प्रीच किया जाता है। इस मंदिर की सबसे पहली रुइंस का डेट 10th सेंचुरी का है और माना जाता है कि पाला डायनेस्टी ने ये बनवाया था। यहाँ पे जो मूर्ति है वो विष्णु के घोड़े के सिर वाले रूप में है। इनफैक्ट यह आसपास टॉर्टोइज़ को भी कंजर्व किया जाता है विष्णु के कूर्म अवतार की मान रखते हुए। हाजो के ही गरुराचला हिल्स में चिश्तिया सूफी मास्टर घियासुद्दीन औलिया का श्राइन या दरगाह भी है। घियासुद्दीन औलिया तब्रीज से यहाँ आए 12वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रचार करने के लिए। यहाँ के मुस्लिम्स मानते हैं कि वो मक्का से 70 शिष्यों के साथ मिट्टी का एक ढेला लाए और एक खंका या सूफी सेंटर का निर्माण किया। उनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 17th सेंचुरी में इस जगह में मुगल शासन के दौरान एक मस्जिद बनाया गया। आहोम राजा रुद्रोहिंघव ने दरबार की सेवा के लिए एक फकीर अनवर हुसैन को सौंप। उन्होंने एक कंडीशन दिया कि यहाँ से जनरेट हुए रेवेन्यू का एक पुआ या एक पाव मजर के विकास के लिए यूज किया जाएगा और बाकी अमाउंट रॉयल पैलेस को दिया जाए। इसी वजह से एक पुआ मकाम बुलाया जाने लगा यह जगह, जो बाद में एक पुआ मक्का और एंड में पुआ मक्का बन गया। पुआ मक्का का मतलब है 1/4 मक्का, और ये माना जाता है कि यहाँ की गई तीर्थ यात्रा से उतना पुण्य मिलता है। नॉर्थ ईस्ट पर नज़र का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।